good morning everyone in this lecture we will study about friction as we all have finished the first chapter of physics force and pressure yes, so let's study about friction as we know that there are two types of force contact force and टू सरफेस इन कॉन्टेक्ट इज कॉल्ड फ्रिक्शन इसका मतलब ये है फ्रिक्शन एक फोर्स है जो रिलेटिव मोशन को अपोज करता है फोर्स ऑफ़ फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन सरफेस इन यस स्टूडेंट्स, इट मीन्स हमारे पास जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ़ होते हैं, कोई सर्फेस रफ होता है कोई स्मूथ होता है ठीक है तो फ्रिक्शन ऑल्सो डिपेंड्स करता है कि किस तरह से सर्फेस से वो कॉन्टेक्ट है तो वाट इज फ्रिक्शन फ्रिक्शन क्या है फ्रिक्शन है जो क्या करता है मोशन को अपोज करता है यानी कि जब हम दो बॉडी को एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मूव कराना चाहते हैं तो वहां पर क्या लगता है फ्रिक्शन लगता है और मोशन को क्या करता है अपोज करता है क्लियर फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या होता है अगर हम फोर्स आगे लगा रहे हैं इफ वी वॉन्ट टू अप्लाई देन एट द सेम टाइम फ्रिक्शन एग्जर्ट इन बैकवर्ड इट मीन बैक डायरेक्शन ठीक है तो यहाँ पर हम लोग क्या समझे वॉट फ्रिक्शन फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स है जो क्या करता है अपोज करता है रिलेटिव मोशन को ठीक है रिलेटिव मोशन क्या होता है कि जब दो बॉडी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मूव करने की कोशिश करता है उसको बोलते हैं रिलेटिव मोशन क्लियर नो फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द रफनेस ऑफ द सर्फेस सो लेट्स स्टडी अबाउट द रफनेस ऑफ द सर्फेस Yes, क्या बोलते हैं इरेग्यूलरिटीज अब देखिए रफ सर्फेस में हिल्स और ग्रोव ज्यादा होगा कंपेयर टू स्मूथ सर्फेस बट ऐसा नहीं है कि स्मूथ सर्फेस में हिल्स और ग्रुप्स होगा ही नहीं ठीक है एवरी स्मूथ सरफेस एंड इवन वेरी स्मूथ सरफेस आल्सो हैव सम हिल्स एंड ग्रुप्स इट मींस इट आल्सो हैव सम इरेगुलरिटीज तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पर हम क्या कर सकते हैं उसको हम देख सकते हैं ठीक है तो हमारा स्मूथ सरफेस भी क्या होता है उसमें भी इरेगुलरिटीज प्रेजेंट होता है ठीक है अगर हम व्हाइट बोर्ड की बात करें

Hills and growth, यानि कि उसके पीछे क्या रीजन है इस टॉपिक में हम लोग स्टडी करेंगे थीके? सबसे पहले जो फ्रिक्शन लगता है आपको बताए फ्रिक्शन किसकी वजह से लगता है इरेग्यूलिटीज के प्रजेंट में यानी कि जो सरफेस के बीच में जो इरेगुलरिटीज है यानी कि हिल्स एंड ग्रोव्स है उसके वजह से ही फ्रिक्शन लगता है देखिए एक बॉडी ए है और दूसरा बॉडी बी है व्हेन टू बॉडीज आर इन कांटेक्ट सबसे पहले फ्रिक्शन के लिए क्या होना चाहिए कि दो बॉडी आपस में कांटेक्ट होना चाहिए जब तक दो बॉडी आपस में कांटेक्ट नहीं होगा फ्रिक्शन वहां पर एक्ट नहीं करेगा ठीक है When two bodies are in contact, पहला कंडीशन है कॉन्टेक्ट होना चाहिए दूसरा कंडीशन है देर मस्ट बी दे मस्ट बी ट्राई टू मूव विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर ठीक है यानी कि दोनों के बीच में एक रिलेटिव मोशन होने की जरूरत है अगर जब तक वो मूव करने की कोशिश नहीं करेगा फ्रिक्शन वहां पर एक्ट नहीं करेगा तो दो कंडीशन है फ्रिक्शन का पहला है कांटेक्ट में होना चाहिए दूसरा है दोनों के बीच में एक रिलेटिव मोशन स्टार्ट होना चाहिए वॉट डज है देखिए यहाँ पर इंग्लोरिटीज आपको प्रेजेंट है When two bodies are in contact, then there is interlocking of irregularities. ये आपस में जो एगुलरिटीज है वो इंटरलॉक हो जाते हैं जैसे ही दो बॉडी आपस में मूव करने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है 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 इंटरलॉक ठीक इस चीज को हम नेक्स्ट फिगर में देखते हैं देखिए वन बॉडी बॉडी अदर है। जैसे ही आपस में कॉन्टेक्ट हुआ तो यहाँ जो हिल्स ग्रुप हैं इसके हिल्स ग्रुप्स से आपस में इंटरकनेक्ट हो गया अब यही जो इंटरलॉकिंग ऑफ रेगुलरिटीज हुआ यानी कि आपस में ये दोनों कनेक्ट हुआ यही रीजन है फ्रिक्शन का इसी को ओवरकम करने के लिए हमें फोर्स लगाना पड़ता है एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ता है बॉडी को मूव करने के लिए तो फोर्स लगाना है बट यहाँ पर जो इंटरलॉकिंग हो रहा है इसके वजह से हमें एक्स्ट्रा फोर्स लगाने की जरूरत हो रही है तो यही एक्स्ट्रा फोर्स जो है वो कहलाता है फ्रिक्शन अगर यहाँ पर कोई फ्रिक्शन नहीं होगा देन देन वी अप्लाई द फोर्स फोर्स इक्वल इट कैन इंटरलॉकिंग ऑफ एगुलटीज जिसके वजह से क्या होता है हमें अगर बॉडी को मूव कराना है तो हमें एक्स्ट्रा फोर्स लगाना और एक्स्ट्रा फोर्स किस लिए लगता है टू ओवरकम द इंटरलॉकिंग इंटरलॉकिंग ऑफ ऑफ को ओवरकम करने के लिए हटाने के लिए हमें फोर्स लगाना पड़ता है और उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शन ठीक है इस फिगर में भी देख सकते हैं यहाँ भी क्या हो रहा है बॉडी ए है और बॉडी बी है यहाँ भी इंटर लॉकिंग हो रहा है इवेलिटिज का जिसकी वजह से क्या हो रहा है जब हम फोर्स लगाते हैं तो वो फोर्स फ्रिक्शन को ओवरकम करता है ठीक है इंटरलॉकिंग ऑफ द टू सरफेस अपोज this इंटरलॉकिंग ठीक है अब देखिए फ्रिक्शन का एक और रीजन है उस रीजन को बोलते हैं एडहेसिव फोर्स और जब दो बॉडी आपस में कॉन्टेक्ट होता है there is the force of attraction intermolecular force of attraction of between the molecule ठीक है a का ka और a particle का molecules try to attract with respect to each other ठीक है जब हम फोर्स लगाते हैं जब हम दो बॉडी को कांटेक्ट करते हैं तो इनके molecules आपस में एक अट्रैक्शन फोर्स लगाते हैं उस अट्रैक्शन फोर्स को बोलते हैं एडेशन ठीक है नाउ when we apply the force जब हम फोर्स लगाते हैं तो ये जो

अब यहाँ पर हमें फोर्स लगाना पड़ रहा है ठीक है यानी एनर्जी लगाना पड़ रहा है किसके लिए ओवरकम करने के लिए किसको फ्रिक्शन को एनर्जी के लिए वी हैव टू अप्लाई द एनर्जी टू ओवरकम द दूवरकम इंटरलॉकिंग ऑफ एगुलटीज ठीक है उसको बोलते हैं फ्रिक्शन अब ये एनर्जी जा कहाँ रहा है जब हम एनर्जी लगाते हैं फ्रिक्शन इज ड्यू टू द इंटरलॉकिंग ऑफ सम एनर्जी टू ओवरकम दिस इंटरलॉकिंग एंड दिस एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी जो हम एनर्जी लगा रहे हैं फ्रिक्शन को हटाने के लिए जो हम एनर्जी लगा रहे हैं वो एनर्जी ट्रांसफर होता है हीट में, तो क्या कहेंगे हीट्स हैं। जो वो फोर्स एनर्जी जो हो जा रहा है हमारा है हीट में चेंज हो रहा है यू कैन ऑल्सो सेंस यू कैन ऑल्सो सेंस बाय रबिंग योर फार्म विथ रिस्पेक्ट टू इच अदर ठीक है आप अपने हाथ को जोर से रब करिए विद इन फाइव सेकेंड यू कैन फील द वार्मनेस ऑफ योर पाम ठीक है ये किसकी वजह से हो रहा है फ्रिक्शन के वजह से हो रहा है तो अभी तक हमने क्या सीखा सबसे पहले हमने क्या सीखा कि व्हाट इज फ्रिक्शन तो फ्रिक्शन इज ए फोर्स ऑफ अपोजिशन है ये कब लगता है जब दो बॉडी आपस में कांटेक्ट होते हैं और वो ट्राई टू मूव करते हैं एंड डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन जिस तरफ मोशन होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये लगता है ठीक है फ्रिक्शन क्यों लगता है तो फ्रिक्शन लगता है रफनेस ऑफ द सरफेस जितना ज्यादा सरफेस रफ होगा उतना ज्यादा फ्रिक्शन होगा ठीक मतलब, है और रफनेस का मतलब इरेगुलरिटीज प्रेजेंट होते हैं यानी हिल्स ऑफ रफ प्रेजेंट होते हैं हम लोग जो सरफेस स्मूथ है वो कितना भी स्मूथ क्यों ना दिखे बट माइक्रोस्कोपिक लेवल पर

the breaking of this bond this local bond and it creates the force of opposition this is called friction due to the friction we have to apply the more energy to overcome the interlocking and this energy is converted into heat energy next topic is types of friction our uh, students basically friction is two types first one is the static friction and second one is the काइनेटिक फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है देखिए, जब फ्रिक्शन हम लोग लग रहा है ठीक है जब बॉडी में फ्रिक्शन लग रहा है लेकिन बॉडी क्या हो रहा है रेस्ट में, यानी no तो उस कंडीशन में क्या होगा फ्रिक्शन होगा जैसे कि सपोज ये मेरा सरफेस है ठीक है अब हम यहां पर एक बॉडी को इस तरह से रख दिए ठीक है तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण फोर्स के कारण ये क्या होना चाहिए था नीचे मूव करना चाहिए था ठीक है बट ये मूव नहीं कर रहा है क्यों नहीं मूव कर रहा है क्योंकि सरफेस और ब्लॉक के बीच में क्या लग रहा है फ्रिक्शन लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में तो फ्रिक्शन लगने की वजह से ये बॉडी मूव नहीं कर रहा है तो जब बॉडी रेस्ट में होता है और फ्रिक्शन एक्ट करेगा तो उसको हम लोग बोल देंगे फ्रिक्शन बट

स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन ठीक है एक स्लाइडिंग कब होगा जब एक बॉडी दूसरे सरफेस पर स्लाइड करता हो रहेगा और रोलिंग कब होगा जब एक बॉडी दूसरे सरफेस पर रोल करेगा ठीक है हम सब सारे फ्रिक्शन को वन बाय वन स्टडी करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल स्टैटिक फ्रिक्शन तो देखिए व्हाट इज स्टैटिक फ्रिक्शन द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दैट एग्जिस्ट बिटवीन टू सर्फेस इन कॉन्टेक्ट

फ्रिक्शन जैसे सपोज एग्जाम्पल में हम क्या करते हैं इसी ब्लॉक को, को एफ फोर्स लगा रहे हैं। बट ये मूव करने का नाम ही नहीं ले रहा है ठीक है, ये है हो, या हो सकता है कि सरफेस हमारा क्या हो रफ हो या ये भी हो सकता है कि हम फोर्स जो लगा रहे हैं वो हमारा काफी कम है तो वो किसी भी कंडीशन की वजह से यहाँ पर कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है तो उस कंडीशन में जो फ्रिक्शन रहेगा उसको क्या बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन ठीक है इस ग्राफ के बारे में हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे उसके पहले पढ़ते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन फ्रिक्शन ठीक ठीक है 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 तो व्हाट व्हेन 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 रिलेटिव रिलेटिव मोशन मोशन स्टैटिक में था नो no पर क्या है? यानी कि जस्ट उसका अपोजिट है यहाँ पर क्या हो रहा है कि जैसे ही हम फोर्स लगाते हैं जैसे ही हम कोई फोर्स लगाते हैं और बॉडी क्या हो जाता है मूव करने की कोशिश कर जाता है ठीक है फोर्स लगाए फ्रिक्शन लग रहा है बट बॉडी क्या हो गया मूव करने लगा तो जैसे ही बॉडी मूव करेगा उस कंडीशन में उस कंडीशन में जो फ्रिक्शन रहेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन क्या बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन क्लियर स्टार्टिंग में बॉडी मूव नहीं करेगा और कैनेटिंग में क्या होगा बॉडी मूव करेगा ठीक है जैसे कोई एग्जाम्पल है एक बॉल है इस सर्फेस से हम क्या कि उसको सर्फेस पर हम उसको मूव करें तो थोड़ी देर पर बॉल क्या हो जाएगा नीचे स्लाइड कर जाएगा ठीक है तो ऐसा नहीं है कि पर फ्रिक्शन लग रहा यहाँ पर फ्रिक्शन लग रहा है लेकिन बॉडी पर जो फ्रिक्शन लग रहा है वो फोर्स जो लग रहा है उस पर उससे कम लग रहा है ठीक है तो इस वजह से क्या होता है बॉडी मूव करता है रिस्ट्रिक्शन लगने के बावजूद भी लेकिन एट द सम टाइम आफ्टर सम टाइम कुछ समय के बाद जैसे हम इस बॉडी पर फोर्स लगाए और ये मूव करने लगा ठीक है लेकिन ये बॉडी मूव हमेशा के करें लिए नहीं करेगा आगे जाकर ये बॉडी क्या हो जाएगा रुक जाता है ठीक है इसके वजह से क्योंकि तो फ्रिक्शन क्या लग रहा है इस पॉइंट पर अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्ट कर रहा है ठीक है अब देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस ग्राफ तो समझिएगा जैसे ही हम फोर्स लगाते हैं जैसे ही हम फोर्स लगाते हैं तो बॉडी पर फ्रिक्शन एक्ट होना स्टार्ट होता है ठीक है देखिए स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स के बारे में एक लाइन और है स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स इज सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स इट्स वैल्यू लाइज बिटवीन जीरो टू मैक्सिमम ठीक है सपोज अगर इस बॉडी को मूव कराना है ठीक है और इस बॉडी को मूव कराने के लिए हमें 50 न्यूटन चाहिए क्लियर यानी कि जब तक 50 न्यूटन नहीं लगेगा यह बॉडी मूव नहीं करेगा नाउ सपोज वी अप्लाई फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, तो जब 10 न्यूटन लगाएंगे तो ये 10 न्यूटन कहा गया ये टेन न्यूटन चला गया फ्रिक्शन में यानी अभी हमारा जो फ्रिक्शन का वैल्यू है वो टेन न्यूटन है फोर्स टेन न्यूटन तो फ्रिक्शन में कितना लग रहा है न्यूटन न्यूटन अगर हम फोर्स पर 25 न्यूटन लगाएंगे तो फ्रिक्शन कितना लगेगा वो भी ट्वेंटी फाइव न्यूटन लगेगा ठीक है और अगर अगर हम फोर्स फिफ्टी न्यूटन लगा दिए ठीक है अगर हम फोर्स फिफ्टी न्यूटन लगा दिए तो भी क्या हो रहा है फ्रिक्शन कितना लग रहा है फिफ्टी न्यूटन और दिस कंडीशन ठीक है तो ऐसा नहीं न्यूटन लगाएंगे तो फ्रिक्शन लगा, लगा, में फिफ्टीन वन न्यूटन लगेगा मैक्सिमम जो फ्रिक्शन लगेगा वो फिफ्टी न्यूटन लगेगा और वन न्यूटन जो ज्यादा हुआ फिफ्टी वन न्यूटन में वन न्यूटन ज्यादा है वो वन न्यूटन की वजह से ये बॉडी मूव करेगा ठीक है

तो फ्रिक्शन भी जीरो था टेन था तो टेन ट्वेंटी था ट्वेंटी था तो बट जैसे ही उससे ज़्यादा हम फोर्स लगाना स्टार्ट लग अब क्या हो गया फ्रिक्शन का वैल्यू स्लाइटली थोड़ा सा कम जाएगा ठीक है मैक्सिमम होने के बाद फ्रिक्शन का वैल्यू स्लाइटली कम जाता है क्योंकि

वो ज्यादा होता है फ्रिक्शन फोर्स से, ठीक है? यानी कि जो फ्रिक्शन रुका हुआ जब बॉडी रहता है वो ज्यादा लगता है और जब बॉडी मूव करता है तो फ्रिक्शन क्या लगता है कम लगता है ठीक है तो ये पॉइंट को फिर से डिस्कस करेंगे नेक्स्ट हम लोग स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ कैनेटिक फ्रिक्शन ठीक है तो फर्स्ट हमारा जो कैनेटिक फ्रिक्शन है वो हमारा है वो हमारा स्लाइडिंग फ्रिक्शन अभी आपको बताए थे व्हाट इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन जब बॉडी स्लाइड करता है किसी दूर जब एक कोई बॉडी दूसरे बॉडी पर क्या करता है फोर्स हम लगाए और वो क्या करने लगा स्लाइड करने लगा ठीक है तो जब स्लाइड करता है तो उस फ्रिक्शन को हम लोग बोलते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन लुक है द फ्रिक्शन दैट एग्जिस्ट बिटवीन द सर्फेस इन कॉन्टेक्ट वेन वन बॉडी स्लाइड ओवर द तो पहलाइडिंग एक, एक रखना है, है. यानी ये डिपेंड नहीं करता है कि जो हमारा बॉडी है उसका एरिया छोटा है या उसका एरिया बड़ा है ठीक है अगर दोनों बॉडी का मास इक्वल है दोनों बॉडी का मास इक्वल है तो दोनों बॉडी पर फ्रिक्शन में क्या लगेगा इक्वल होगा उसके एरिया पर डिपेंड नहीं करता ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखेगा दूसरा है स्लाइडिंग स्पीड अगर कोई बॉडी से पर सेकेंड से मूव कर रहा है तो ऐसा नहीं कि जो फास्ट मूव करेगा तो उसका फ्रिक्शन कम लगेगा और स्लो मूव करेगा तो फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा दोनों कंडीशन में स्पीड इक्वल हो या अनइक्वल हो दोनों कंडीशन में स्लाइडिंग फ्रिक्शन का जो वैल्यू होता है वो कॉन्स्टेंट होता है

कोई भी रोलर या फिर कोई स्फेरिकल बॉडी दूसरे बॉडी पर रोल करता है तो क्या बोलते हैं हम रोलिंग फ्रिक्शन एग्जाम्पल में क्या हो गया स्फेरिकल बॉल्स हमारा बॉल बेयरिंग ठीक है रोलर्स व्हील्स जितने भी ये सारे हैं इनमें क्या करते हैं रोलिंग फ्रिक्शन तो नेक्स्ट क्लास में स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन के बारे में एग्जाम्पल और एक्टिविटीज स्टडी करेंगे आज के लिए इतना ही है आज हमने क्या क्या सीखा है हमने सीखा है वाट इज फ्रिक्शन वाट इज द मैकेनिज्म ऑफ फ्रिक्शन एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन चलिए छोटा सा एग्जांपल है रोलिंग फ्रिक्शन का अगर हम फोर्स लगा रहे हैं एक व्हील से सपोज एक व्हील्स ए है और सरफेस बी है अगर हम फोर्स लगाए देन इट देन दिस व्हील्स स्टार्ट मूविंग क्लॉकवाइज लाइक दिस यहां पर एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ठीक है सपोज ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सी है तो इस पॉइंट ऑफ पर फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लग रहा होगा ठीक है तो आप देख सकते हैं ये पॉइंट ऑफ पर फ्रिक्शन फॉरवर्ड की तरफ लग रहा है ऐसा क्यों हुआ ठीक है फ्रिक्शन तो बैकवर्ड की तरफ लगना चाहिए था बट फॉरवर्ड क्यों लग रहा है तो अभी आपको बताए थे द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ

तो जैसे ही पॉइंट इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो फ्रिक्शन का क्या रूल है कि कोई भी पॉइंट अगर फॉरवर्ड जाता है तो फ्रिक्शन क्या जाएगा बैकवर्ड तो यहाँ पर फ्रिक्शन क्या होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा ठीक है तो इतना कॉन्सेप्ट हम लोग आज फर्स्ट वीडियो में सीखे नेक्स्ट वीडियो में हम फ्रिक्शन का बहुत सारे कंडीशन को और एक्टिविटीज को स्टडी करेंगे ठीक है तो आज के लिए इतना ही ठीक है नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिक्सन के एग्जाम्पल्स को स्टडी करेंगे एंड फिक्शन के एडवांटेज डिसएडवांटेज को भी स्टडी करेंगे थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे